सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे था। एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नए पॉडकास्ट। तो गाइस, जैसे कि आप ऑलरेडी मेरे चैनल पे बने हुए हैं, आपने देखा होगा कि मैं 10 से 11 पॉडकास्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिसमें कि मैं 36-36 लाख लेने वाले लोगों को, जिन्होंने 36 लाख के पैकेज क्रैक किए हैं या IIT से पढ़ रहे हैं, उन सब स्टूडेंट्स के ऑलरेडी पॉडकास्ट ले चुके हैं। तो आज वैसे तो मैं घूमने आया था, लेकिन यहाँ पे कुछ नए दोस्त बने, तो उनसे जब बात हुई तो पता लगे कि वो सब भी IT इंडस्ट्रीज हैं और 5-5 साल ऑलरेडी उनको काम करते हो गए IT इंडस्ट्री में। तो हमने सोचा कि हम खुद भी इनसे थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे और पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेंगे, जिससे कि जो ज्ञान हम लेंगे वो ज्ञान आपको भी मिल जाए। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आज ही अपना ज्ञान बांटेंगी। तो सबसे पहले तो हम इनसे इनकी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको भी पता लग जाए इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। उसके बाद फिर हम अपना पॉडकास्ट शुरू करेंगे, जैसे हम हर बार बात करते हैं। तो दे दो अपनी अच्छी सी इंट्रोडक्शन। हाय, सो मेरा नाम है अंजू सिंह और मैं हूँ मुंबई से। मुझे टोटल 5.10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है IT इंडस्ट्री में। वैसे तो मैं यहाँ घूमने आई हूँ अमृतसर मेरे दोस्तों के साथ, लेकिन जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ वहाँ पे मुझे ये मेरे न्यू दोस्त मिले हैं, जिनसे अभी 2-3 दिनों से बातचीत हो रही है। और जैसे कि मुझे पता चला है कि ये अलग अलग टाइप्स के वीडियोस बनाते हैं, एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करते हैं, तो आज मैं भी कुछ अपने एक्सपीरियंस IT के शेयर करूँगी आपके साथ। होप आपको इससे कुछ हेल्प मिले आगे चल के। तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे यही पूछेंगे, जो हम अपने हर पॉडकास्ट में पूछते हैं, कि जब आपने अपनी 10th+2 पास की होगी तो कैसे, मतलब आप इंजीनियरिंग में कैसे आई, कौन सी आपने ब्रांच चूज की, और वो ब्रांच जब आपने चूज की, आपको पता था कि मतलब मेरा कुछ ऐसा पैशन है या गोल है, या वो रैंडमली कुछ ऐसा गोल बना कि रैंडमली इस ब्रांच में आ गई? हाँ, इंजीनियरिंग तो मैंने इसलिए चूज की थी क्योंकि मतलब जैसे अब साइंस स्ट्रीम से मैंने अपना 12th पास आउट की हूँ, तो जैसे होता ही है कि साइंस स्ट्रीम ले रहे हो तो आगे चल के या तो डॉक्टर बन जाओ या तो इंजीनियरिंग में चले जाओ। तो वैसे मेरे फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस थी और मुझे भी थोड़ा सा मेडिकल लाइन से ज़्यादा फिजिक्स, मैथ्स वो सब पसंद था, तो इसलिए फिर मैंने इंजीनियरिंग चूज़ की और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच से की है इंजीनियरिंग। तो वो मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि अब हर कोई IT कंप्यूटर साइंस ही ले रहा था, तो फिर मैंने अपने जो सीनियर्स हैं उन सब से भी कंसल्ट करके पता चला मुझे कि बहुत ज़्यादा लोग हैं IT कंप्यूटर्स में, तो सो थोड़ा अलग ब्रांच चूज़ करना चाहिए। तो मैंने अपने लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ की और मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीट किया इंजीनियरिंग, बट वही उसके बाद फिर मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज की है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। जैसे मेरा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने IT में अपने कोर्स किए हैं, .NET का कोर्स किया था मैंने, और उसके साथ साथ ही जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स होते हैं तो मैंने उसमें अपना ट्राई कर रही थी इंटरव्यूज के लिए। सो उसके थ्रू मुझे फाइनली मेरी फर्स्ट कंपनी में जॉब मिला था IT फील्ड में। तो मैंने मेरा स्टार्टिंग का जो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है वो .NET टेक्नोलॉजी पे रहा है, तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखे। जब भी हम एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं कोई कंपनी, तो वहाँ अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की जाती है अलग अलग टेक्नोलॉजी के, और आपको चांस भी दिया जाता है कि आपको किस किस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, अपना करियर बनाना है। तो मुझे तो चांस .NET में मिला, उसमें मैंने काम किया है और उसके साथ साथ मैंने कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजीज भी सीखी है। और फिर आगे बढ़ते हुए जैसे अब तो मुझे अलग अलग चीज़ों का थोड़े और टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस हो गया है, तो अभी मुझे क्लाउड का थोड़ा मिला है एक्सपीरियंस मेरे करंट प्रोजेक्ट में। सो मैं यही बोलना चाहूँगी कि IT तो बहुत वास्ट डोमेन है, तो उसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से टेक्नोलॉजीज भी चेंज होती जाती है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है और उस हिसाब से फिर हमें अलग अलग सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए, ट्रेनिंग्स करनी चाहिए, इससे हम अपने करियर में और ज़्यादा बढ़ सकते हैं आगे। तो बेसिकली वैसे आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन अब इस चीज़ों को थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड में करेंगे ताकि क्वेश्चंस के हिसाब से सबको समझ आ पाए। अब जैसे आपने ले ली EC ले ली, तो कैसा वो 4 साल का एक्सपीरियंस गया, कि मतलब उसमें जब आपने पढ़ाई करनी शुरू की, इंटरेस्ट आया, अच्छा लगा, फिर उसके बाद क्या मतलब उस फील्ड में ही, EC की फील्ड में ही जॉब नहीं मिली, प्लेसमेंट कम थी, ऐसा कुछ था कि IIT फिर मतलब आपने ट्राई किया कि IIT में जॉब ज़्यादा है तो ट्राई करते हो, इंटरेस्ट आया, फिर IIT में गए, या ऐसा था कि
उस सेक्टर में लैक ऑफ जॉब्स थी, उसकी वजह से हम आईटी में आए। हाँ, तो मेरे तो एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि जैसे मैं अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रही हूँ, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी कंपनीज थी, जैसे गोदरेज हुआ, सैमसंग हुआ, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे कोई इन कंपनीज में अच्छा इंजीनियरिंग पोजिशन पे जॉब मिलेगा। लेकिन द रियलिटी चेक जब मिला है ग्रेजुएशन के बाद, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो जॉब होती है वो काफ़ी फील्ड वर्क रिलेटेड होती थी और उतनी अच्छी पैकेज भी नहीं रहती थी उसकी, तो वो एक काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट था आफ्टर इंजीनियरिंग। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे अब आईटी में ही ग्रोथ है, आईटी में ज़्यादा ऑप्शंस है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो कुछ मुझे आईटी का भी ट्राई करना चाहिए। तो इसलिए फिर मुझे अलग से कोर्स करना पड़ा आईटी का, और आईटी के कोर्स में फिर मैंने .NET की ट्रेनिंग की, वो मेरी 2.5 महीने की ट्रेनिंग चली है, और साइड बाय साइड जो भी ऑफ कैंपस ड्राइव्स होते थे तो मैं वो उसके इंटरव्यूज देती रहती थी, तो वहाँ से मुझे चांस मिल गया। वैसे तो आईटी कंपनीज भी एज अ फ्रेशर जब ज्वाइन करो तो अपने से काफ़ी डिटेल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, बट वो कंपनीज में लगने के लिए आपके पास कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए, जो मेरे पास नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने किया है इंजीनियरिंग, तो मेरे वही आफ्टर ट्रेनिंग मुझे ये चांस मिला, और फिर मैंने कंटिन्यू फिर आगे आईटी में ही कर लिया कंटिन्यू, क्योंकि मेरे को दिखा कि वहाँ पे फाइनेंशियली भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटमेंट था कि जैसे जो ब्रांच से इंजीनियरिंग की है उसमें नहीं मिला है जॉब, लेकिन ठीक है, अब तो आईटी में ही, आईटी भी बहुत वास्ट है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ है, एक ही डोमेन है। जिस हिसाब से हमें हमारा इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से टेक्नोलॉजी चूज करनी चाहिए, तो आगे ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो जैसे अभी आपने ईसी की होगी तो कोडिंग वगैरह की तो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो नॉलेज होगी, एक सेमेस्टर में पढ़ा देते हैं लेकिन इतनी ज्यादा नहीं सीख पाते ईसी वाले। तो फिर उसके बाद इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद अब जैसे नहीं हो पा रही है प्लेसमेंट, तो हमने सोचा होगा ना कि अब आईटी में सीखते हैं, तो फिर मतलब एक्स्ट्रा कोर्स किया था, तो सिर्फ 2.5 महीने का कोर्स, और उससे आपको मतलब इतनी नॉलेज आ गई कि एक अच्छी खासी प्लेसमेंट आपने क्रैक कर ली, कि 2 महीने पढ़ के आईटी सेक्टर में आराम से प्लेसमेंट हो गई। आराम से हुई कि थोड़ी दिक्कत करनी पड़ी, कितना पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, क्या रिसोर्सेज यूज किए? अब जैसे आपको देखने वाले बहुत सारे इसी के स्टूडेंट्स होंगे, मेरा खुद का रूममेट था, वो भी इसी से था, उसके भी यही हुआ कि 4 साल बीत गए लेकिन कंपनी आई, लेकिन वही फील्ड वर्क वाली ऐसे जॉब थी कि उसको नहीं पसंद आ रही थी, तब उसको भी यही है कि शिफ्ट करना है। तो ऐसे ही लोग जो देख रहे होंगे उनके लिए कि कैसे क्या कितनी मेहनत क्या क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए। जैसे अभी अगर आपने या किसी ने भी दूसरे फील्ड में किया हुआ है इंजीनियरिंग और उसे अभी आईटी में आना है, तो उसके लिए हमें कुछ तो कोर्सेज करने चाहिए। तो कोर्स करने के लिए जैसे कोई आईटी ट्रेनिंग ले ली, सपोज पहले तो टेक्नोलॉजी चूज कर लो कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे करना है, तो जैसे .NET हुआ, जावा हुआ, या तो फिर अब तो और भी सारी टेक्नोलॉजीज जो आ गई है मार्केट में वो बहुत अच्छी है, जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म, AWS, Azure, इसकी तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है अब, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स अब माइग्रेट होते ही है क्लाउड में और फ्यूचर क्लाउड ही है, तो क्लाउड की टेक्नोलॉजी ले लो, या ऑटोमेशन की भी ले सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उनका प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो सके, उनके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, तो वो हमेशा इस चीज़ में रहते ही है कि क्या हम ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे हम क्लाइंट्स को और ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। तो अब जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी, अगर मैंने तो जैसे .NET पे की थी अपनी ट्रेनिंग, तो .NET की ट्रेनिंग के लिए मिनिमम जैसे अब मैं अगर मैं दिन में 4-5 घंटे भी दूँ, और उसके बाद जो भी थियोरी में बताया जाता है, कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, उसके बाद जब तक हम हैंड्स ऑन नहीं करते तब तक तो हमें ज़्यादा पता भी नहीं चलता है, तो थोड़ा अगर हैंड्स ऑन खुद से भी प्रैक्टिस करें तो उससे हमें और ज़्यादा कंसेप्ट जो हम पढ़ते हैं ना वो याद रह जाती है। तो हम ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट, छोटे छोटे जो भी ये टर्म्स सिखाए जा रहे हैं उसको हमने कुछ प्रैक्टिस कर लिया खुद से, तो अगर हमें अच्छे से करना है तो मिनिमम अगर हम 1 मंथ देते हैं और जैसे हर दिन 7 से 8 घंटे दे रहे हैं, मिनिमम 1 मंथ करेंगे तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हमें सब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो हमारा बेस बनना चाहिए वो हमें पता चल जाएगा, ताकि फिर जब हम इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यू में एज अ फ्रेशर आपसे ज़्यादा ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि आपको प्रैक्टिकली वो करके दिखाना आए, बट हाँ ये है कि आपके आपसे जो भी पूछा जाए उसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपके आइडिया क्लियर हो कि क्या है, क्यों हम वो चीज़ का यूज़ करते हैं,
तो कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है आपके तो आपका इंटरव्यू अच्छे से क्रैक हो जाएगा, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। फिर जब आप प्रोजेक्ट में चले जाते हो, किसी कंपनी में आप चले जाते हो, तो वहाँ पे भी वो एडिशनली आपको ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि एज अ फ्रेशर उनका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने रिसोर्स को ग्रूम करे, तो वहाँ पे आपको वो चांस अलग से मिलता है। फिर जब आप कंपनी में जब ट्रेनिंग लेते हो, तब उनके तो अलग से हैंड्स ऑन वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देते हैं कि ये टास्क कंप्लीट कर दो, ये तुम्हारा आज का टास्क है, तो उससे और ज़्यादा प्रैक्टिकली अच्छा हो जाता है। उसके बाद जब हम किसी प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, जब सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट होती है, तो हमें प्रोजेक्ट असाइन होता है कि ये प्रोजेक्ट में अब तुम्हें काम करना है। तो प्रोजेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि जैसे मेरी ट्रेनिंग .NET में हुई तो मुझे .NET का ही प्रोजेक्ट मिले, हो सकता है कि प्रोजेक्ट में .NET के साथ साथ और भी टेक्नोलॉजी हो सकता है क्लाउड हो उसमें, या तो डेटाबेस का कुछ हो, तो वो सब जो एडिशनल चीज़ें होती है ना, कुछ कुछ चीज़ें जैसे प्रोजेक्ट में ही आने के बाद आपको सीखने मिल जाती है। जब आपको काम असाइन करेंगे तो वो ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते कि कर दो, मतलब वो पहले बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो जैसे आप डेटाबेस का कुछ काम दे दिया करना है, तो वो आपको बता देंगे कि ये ऐसे करना है ऐसे करना है। बट जैसे अब आपको लग रहा है कि अरे इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ये तो और ज़्यादा अच्छा है, इसमें मज़ा आ रहा है काम करने में, तो उस चीज़ की फिर आप अलग से भी ट्रेनिंग कर सकते हो बाहर से। अब तो रिसोर्स बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे क्लासरूम ट्रेनिंग ही लगाना है। आजकल वर्चुअल ट्रेनिंग बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, यूडेमी प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा ट्रेनिंग्स रहता है सारे कोर्सेज, तो आप वहाँ से कुछ चीज़ें सीख सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। और उसके बाद जैसे अब आपको आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है प्रोजेक्ट में, आपको काम करते हुए 1 साल 1.5 साल हो गए हैं, तो उसके बाद आप कुछ सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। और सर्टिफिकेशन का ये बेनिफिट होता है कि जैसे अगर मान लो आपकी प्राइमरी टेक्नोलॉजी .NET है, बट अगर आपको क्लाउड में जाना है, तो क्लाउड का अगर आप पढ़ के उसके बाद आप प्रॉपर सर्टिफिकेशन करते हो उनका, ऑफिशियल सर्टिफिकेशन, तो ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वो चीज़ नोटिस की जाती है कि अच्छा इनको थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी, प्रैक्टिकली भी प्रोजेक्ट किए हुए हैं छोटे छोटे, बट इनके पास अब सर्टिफिकेशन भी है, तो वो चीज़ का काफ़ी वैल्यू होता है। और अब जब जैसे अब IT तो बहुत वास्ट हो चुका है, ऐसा नहीं है कि मतलब पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगता था हाँ .NET जावा यही दो चीज़ है, बट ऐसा नहीं है, IT में भी सबका अलग अलग अपना स्पेशलाइजेशन होता है, तो जो जिस फील्ड में अच्छा कर सकता है उसे उस फील्ड में ही और ज़्यादा एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, एडवांस कंसेप्ट समझना चाहिए, तो वो IT में काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो वही मेरे हिसाब से मतलब मेरा सजेशन तो यही रहेगा, जैसे अब ऑटोमेशन हो गया, क्लाउड प्लेटफॉर्म हुआ, ये सारी टेक्नोलॉजी बहुत हाई डिमांड में है मार्केट में, तो ये सब सीखना चाहिए जो भी IT में एज अब आना चाहता है दूसरे किसी फील्ड से, उसे ये सारे चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो अब तो चलो जैसे अब प्लेस हो गया है ना, प्लेसमेंट होगी हमारी, हाँ हमने थोड़ा बहुत पढ़ा उसके बेस पे हो गई प्लेसमेंट, लेकिन ऐसे कि हम बहुत अच्छा पैकेज नहीं ले पाए, लेकिन नॉर्मल हाँ। सा पैकेज में आ गए, नॉर्मल सी कंपनी में, ठीक है कि मिल गया कि चलो एटलीस्ट हमको कोई जॉब मिली। हाँ। तो अब बात है कि बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि यार हमने बहुत कम से स्टार्ट किया है, तो अगर हमारी ग्रोथ होगी भी तो कितनी हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली दो क्वेश्चन रहेंगे कि सबसे पहला तो कि ग्रोथ है क्या, मतलब मैं मिनिमम से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरी ग्रोथ है ना, मतलब कि चांसेस है कि मैं थोड़ा सा ही बढ़ पाऊंगा, या चांसेस है कि अगर मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है इस फील्ड में। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या रास्ता क्या होना चाहिए, रोड मैप क्या होना चाहिए अगर एक इंसान अच्छे से ग्रो करना चाहता है, कि उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे लोगों से मतलब इंटरेक्ट, क्या क्या सर्कल रखना चाहिए, कैसे मतलब क्या रास्ता होगा कि अगर उसको एक अच्छे से ग्रो करना है। पहले तो यही होगा कि जो भी प्रोजेक्ट में सिखाया जा रहा है उसे पहले अच्छे से सीख ले, और उसके साथ साथ जब भी जैसे प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता है कि जैसे आज कुछ सिखा दिया तो वही चीज़ कंटिन्यू होती है, तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है एज अ न्यू रिसोर्स ज्वाइन करते हो। तो एक तो वो है कि प्रोजेक्ट से सब सीखे, फिर जो भी एडिशनली प्रोजेक्ट के हिसाब से जो ट्रेनिंग असाइन होती है अलग से, वो सारी ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो उसमें वो ट्रेनिंग्स में आपको और ज़्यादा सीखने मिल जाता है ताकि आप अपना काम और अच्छे से कर सको। प्लस जो आपके सीनियर्स होते हैं, सीनियर्स हुए, आपके टीम लीड हुए, वो भी आपको रेगुलर बेसिस पे फीडबैक देते रहते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं कहीं पे स्टक हो रहा हूँ या मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो इस केस में आपको
एज अपने किसी सीनियर से पहले तो बात करना चाहिए. अगर उनसे भी आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, अच्छा डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो इस केस में आपको अपने टीम लीड को अप्रोच करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, अपने कंसर्न्स रखने चाहिए कि ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे आगे बढ़ूँ. तो इस सबसे आपको ना थोड़ा आइडिया मिलता है कि मतलब कैसे कैसे मैं इशू सॉल्व कर सकूँ या कैसे मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ. एक तो ये चीज़ है. प्लस जो ग्रोथ को लेके जो बात है, तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब आईटी में आप जिस पैकेज से स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत धीरे धीरे ग्रो होगा. ऐसा ये चीज़ काफ़ी वेरी करता है. किसी किसी के लिए ये जो पैकेज है वो जस्ट मतलब स्टार्टिंग नंबर है. अगर आपने कुछ साल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया, कुछ आपने एडिशनल कोर्सेस कर लिए जो कि मार्केट में भी काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो आपका पैकेज में एकदम ड्रास्टिक चेंज दिखेगा आपको. मतलब वो काफ़ी हाई स्पीड पे ग्रो होगा. तो ऐसा आज के डेट में मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि आज के डेट में ऐसे भी लोग हैं कि जिनका 3 साल के एक्सपीरियंस होके भी बहुत अच्छा पैकेज है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनका 6-7 साल का एक्सपीरियंस है बट फिर भी उनका उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है पैकेज. तो आईटी में ऐसा है कि अगर आपको आईटी में सर्वाइव करना है ना, तो आप एक ही टेक्नोलॉजी के बेसिस पे मत ये करो कि चलो मुझे मेरा ये कंफर्ट बन गया है, मेरे को अभी इसमें ही करना है, मैं यही करूँगा. इसके अलावा मुझे अगर कुछ भी दे रहे हो तो बाकी चीज़ें मुझे नहीं आती तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा. ये एक मेन फंडा होता है कि आपको एक अपना जोन डिसाइड करना होता है. एज अ फ्रेशर तो आप नहीं पता कर पाते हो, बट आप 1-1.5 साल के बाद आपको पता चल जाता है कि आपका कहाँ इंटरेस्ट है. तो उस हिसाब से आपको एडिशनली ट्रेनिंग करना चाहिए ग्रो करने के लिए. और जब आप ट्रेनिंग से कंफर्टेबल हो जाओ तो आप प्रोजेक्ट में भी आपको बात करना चाहिए कि जैसे अब आपका प्रोजेक्ट में भी, हर प्रोजेक्ट में अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि जैसे 18 मंथ्स के बाद आपको अगर कुछ और सीखना है, कुछ चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हो. तो वैसे आप अपने प्रोजेक्ट में, तो इसके लिए भी डायरेक्शन तो यही रहेगा कि आप डायरेक्टली तो नहीं जा पाओगे. आपको अपने सीनियर से अप्रोच करते हुए, आपके मैनेजर से अप्रोच करते हुए उनको बताना पड़ेगा कि अब मेरे को इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. तो जैसे प्रोजेक्ट विद इन प्रोजेक्ट ही अगर इस टेक्नोलॉजी का काम है तो मुझे थोड़ा सा उस टेक्नोलॉजी में काम दे दो ताकि मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए. अगर आपको लग रहा है कि आप जिस चीज़ का आपका इंटरेस्ट है, सपोज अगर आपको क्लाउड का इंटरेस्ट है बट आपको दिख रहा है कि क्लाउड का नहीं है इस प्रोजेक्ट में काम, तो उस केस में भी आप अपने मैनेजर से बात करके उनसे बोल सकते हो कि मतलब मुझे विद इन कंपनी कुछ ऐसा चांस मिल जाए ताकि मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूं. तो ये एक डायरेक्शन होता है. सेकेंडली, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कंपनी में भी नहीं ये चांस मिल रहा है और मैं बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अच्छा खासा आता है जिस भी टेक्नोलॉजी में मैं जाना चाहता हूँ, तो उस केस में आप बाहर में भी ट्राई कर सकते हो दूसरे कंपनीज में थ्रू जॉब पोर्टल. तो वहाँ पे आपको जब आप इंटरव्यू देते हो ना, तो इंटरव्यू से भी आपको ये आइडिया मिलता है कि आपका कितना लेवल तक आपको एक्सपीरियंस है उस पर, मतलब आपको कितना आता है. कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि चलो अब हमने सर्टिफिकेशन कर लिया, हमको बहुत कुछ आता है, बट एक्चुअली में जो पढ़ाया जाता है और जब हम एक्चुअली में काम करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है. तो वो जब आप ये इंटरव्यू देते हो तो तभी आपको वो लोग वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं जो उनको उनके प्रोजेक्ट में चाहिए होंगे. तो तब आपको पता चलता है कि नहीं, मुझे और ज़्यादा प्रिपेयर करना है या अब मुझे आ गया है. तो जनरली जैसे मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, जब मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ किसी नए टेक्नोलॉजी का, तो जब मैं स्टार्टिंग में इंटरव्यू देती हूँ तो मुझे पता चलता है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चंस है, मतलब अभी इनका इनके प्रोजेक्ट में ऐसी रिक्वायरमेंट होगी. तो उस हिसाब से आप लर्न करते जाते हो, आप ग्रो करते जाते हो. तो यही चीज़ जैसे आप आईटी इंडस्ट्री में, तो ग्रो करने का एक सिंपल फंडा यही है कि अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करो, एक जगह पे मत टिको, अपने आप को एक्सपैंड करते जाओ. और जो भी चीज़ें अच्छी लग रही है, जो भी टेक्नोलॉजी अच्छा लग रहा है, उसमें और ज़्यादा मेहनत करो. उसके आगे का पाथ क्या है वो थोड़ा रिसर्च करो और ट्रेनिंग्स लेते रहो. ट्रेनिंग्स के लिए तो आजकल बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, यूडेमी, एड्यूरेका, सिंपली लर्न, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो मुझे पता है क्योंकि मैं ये पर्सनली यूज़ करती हूँ. इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस आजकल, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि पेड वाली वीडियोस लेंगे, आजकल तो यूट्यूब पे भी पूरा कंटेंट बहुत भरा हुआ है और बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ है. तो उस हिसाब से लर्न करना चाहिए, लर्निंग कंटिन्यू रखनी चाहिए बस, और फिर देन स्काई इज़ द लिमिट. भले ही थोड़ा कभी कभी टाइम लग जाता है बट अच्छा होता है फिर आईटी इंडस्ट्री में. तो
सारा कुछ इन्होंने बता ही दिया, आगे पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक फिर भी एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ आज के इस पॉडकास्ट का, कि आपका एक्सपीरियंस, जैसे आप इसी में आपको 5-6 साल हो चुके हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक दो लाइन में फटाफट अगर बता दो, सिर्फ एक दो लाइन में बताना कि कैसा रहा, कि मतलब हाँ ग्रोथ भी मिल चुकी है, मेंटल मतलब बाकी सब ठीक है, मतलब कि मजा आ रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ग्रोथ तो मेरी लाइक अच्छी रही है आईटी इंडस्ट्री में, वो बाकी जैसे ऐसा था कि मतलब जैसे कि आप ईसी से आए या कोई सीएससी वाला आपसे कम ग्रो किया हो लेकिन हम ग्रो कर रहे हैं, ऐसा भी हुआ है? ऐसा तो मतलब अब हाँ ऐसा मैं बोल सकती हूँ, जैसे अब ये पैरामीटर तो काफी वेरी करता है। अब जैसे कोई ये आईटी का एक ये भी फंडा होता है ना कि जैसे आप एक ही कंपनी में अगर 6 साल टिक गए हो तो आपकी ग्रोथ उस स्टैंडर्ड पेस पे ही होगी, बिकॉज उनका भी एक बजट रहता है कि अब हमको इतने ही बजट में सबको एक ग्रो कराना है, तो वो आपको उतनी हाइक नहीं दे पाते। तो अगर आप चाहते हो कि मतलब आपकी आईटी में ग्रोथ होते ही रहे, तो एक है कि टेक्नोलॉजी सीखते चलो, सेकंड ये है कि आप एक ही कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू मत करो जब आपको अगर दिख रहा है कि आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब भी आप स्विच करते हो ना तो आपको स्विच में थोड़ा ज़्यादा हाइक मिलता है एज़ कम्पेयर टू आप जब सेम कंपनी में कंटिन्यू करो। बट ये भी ये डेफिनेशन भी अब जैसे वेरी करेगा, कुछ कंपनी ऐसी होती है कि नहीं ये तो मेरे बहुत अच्छे रिसोर्स है, इसको मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो वो आपको कंटिन्यूस आप जितना एक्सपेक्ट करते हो मे बी वो उतना हाइक दे दे आपको। बट वही है कि ओवरऑल ग्रोथ के लिए आपको आईटी में भी यही है कि एक जगह पे स्टैग्नेंट नहीं होना है, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हुए आगे बढ़ते जाना है, दूसरे दूसरे कंपनीज, दूसरे दूसरे टेक्नोलॉजी सब एक्सप्लोर करनी है। तो मेरा तो अब तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, बस यही मैं बोलूँगी कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें सिर्फ अपना काम करना होता है, अपने इश्यूज बताने होते हैं, बट जब हम सीनियर्स बनते हैं तो हमें अपना काम भी करना होता है, प्लस हमें अपने जूनियर रिसोर्स को भी मेंटर करना पड़ता है, प्लस उनके भी इश्यूज जो भी होते हैं वो हमें एड्रेस करने पड़ते हैं। तो अब तो जैसे मेरा थोड़ा लेवल बढ़ चुका है तो मेरे पास और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है, तो जो वही है जैसे आईटी में आप बढ़ोगे वैसे वैसे आप नया नया चीज़ें सीखते जाओगे, तो अच्छा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। बट अभी मैं भी खुद मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं क्लाउड में थोड़ा एक्सप्लोर कर सकूँ, .NET के साथ क्लाउड में थोड़ा अच्छा हो जाए मेरा। तो यही था मेरे साइड से आज का एक्सपीरियंस। तो जी यही था जो आप सबको बताना था, ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे ये मेरे खुद के पर्सनल क्वेश्चन थे जो मेरे को भी पूछने थे, तो हमने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड ही कर लिया जाए कि सब देख लेंगे, हमारे साथ साथ थोड़े और लोगों को भी मिल जाएगा। तो अब बस यही एंड था इस पॉडकास्ट का, तो वो पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इनके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा तो इनको रिक्वेस्ट भेज देना, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी कर लेना, ठीक है। तो पॉडकास्ट पसंद आया हो तो यार लास्ट बार जो हर बार कहते हैं भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं ऐसे अगले किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।